हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही ट्यूटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉडेटा ओके okay? तो एनिमल किंगडम में हमारा जो आज का नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम कॉडेटा ओके okay? तो इस वीडियो के माध्यम से हम फाइलम कॉडेटा और फाइलम कॉडेटा के इंक्लूड जो थ्री सब फाइलम है उनकी भी स्टडी करेंगे ओके okay, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें नोटोकॉड प्रजेंट होता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉड एंड फेरेंजल गिल प्रजेंट होती है ओके okay, जैसे यहां यहाँ पर हम देख रहे हैं एनिमल्स और इनमें जो कॉर्डेटा है इनके करेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं ये कॉर्ड है ओके एंड इनसाइड क्या है ये नोटोकॉर्ड तो ये कॉर्डेटा का एक यूनिक फीचर है इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये नॉन कॉर्डेटा ओके जो पोरीफेरा टू इकानोडर्मेटा के एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड अपसेंट होती है ओके देन उसके बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद ये फाइलम कॉर्डेटा आता है जिसमें नोटोकॉर्ड डोर्सल ट्यूबुलर नर्वोकॉड एंड गिल स्लिट प्रेजेंट होती है ठीक है तो मीन्स जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड डोर्सल ट्यूबल नर्वोकॉर्ड एंड फेरिंजल गिलसिट्स आती है उनको फाइलम कॉर्डेटा के इंक्लूड रखा गया है नोटोकॉर्ड क्या होती है नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल रॉड होती है ठीक है जो ये नोटोकॉर्ड है ये क्या है फ्लेक्सिबल रॉड है ठीक है और इसकी लोकेशन क्या है मिड डॉर्सल लाइन पर ये बीच की एक डोर्सल लाइन होती है पीछे साइड पर बैक साइड पर डोरसल लाइन यहाँ पर ये लोकेटेड होती है किसके बीच में एलिमेंट्रिक कैनाल एंड नर्व कॉर्ड, ओके एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में ये नर्व कॉर्ड है इधर ये एलिमेंट्री कैनाल है इसके बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इन एम्ब्रियो, ओके एम्ब्रियो में ये मिड ऑर्सल लाइन पर एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में एक फ्लेक्सिबल रॉड है जिसको कहते हैं हम नोटोकॉर्ड ओके तो जिन में नोटोकॉर्ड डोर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड गिल स्लिट होती है उन एनिमल्स को फाइलम कोडिटा के इंक्लूड रखा गया है ठीक है दूसरा हम इधर और एक डायग्राम देखते हैं ये जो इसका गिल स्लिट फेरिंजर गिल्ड डोरसल हॉलो कॉर्ड नोटोकॉर्ड पोस्ट एनल टेल मस्कुलर सेगमेंट ये एलिमेंटी कैनाल है जिसमें स्टोमैक इंटेस्टाइन एंड एनएस है कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम कॉडेटा विज नॉन कॉडेटा ओके तो जो फाइलम कॉडेटा जिसकी हाँ हम अभी इस वीडियो के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उसको और उससे पहले जो पोरीफेरा निडेरिया प्लेटी हेलमेंथीज एस्कोह हेलमेंथी एनिडा अर्थोपोडा मोलस्कानोडमेटा वो नॉन कॉडेटा में आते हैं जिसमें नोटोकॉट अपसेंट होती है तो उन इन दोनों फाइलम में हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे क्या डिफरेंस है उनमें कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में नॉन कॉडेट में नोटोकॉर्ड अपसेंट होती है सेकंड सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल किसमें कॉर्डेटा में बट नॉन कॉर्डेटा में वेंट्रल सॉलिड एंड डबल सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है कॉर्डेटा में फेरेंजल गिल स्लिट प्रजेंट होता है जबकि जो नॉन कॉर्डेटा है उसमें फेरेंजल गिल स्लिट अपसेंट होते हैं और कॉर्डेटा में जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड मीन्स जो आगे का साइड है फ्रंट साइड है उस साइड पर क्या होता है हार्ट होता है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं ओके एंड डॉर्सल साइड बैक साइड ठीक है तो नॉन कॉर्डेटा में जिसमें अगर हार्ट प्रेजेंट है वो हार्ट उनका कहाँ पर होता है उसके लिए साइड में होता है कॉर्डेटा में पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है जबकि नॉन कॉर्डेटा में पोस्ट एनल पार्ट टेल अपसेंट होती है ओके तो ये स्ट्रक्चर है पोस्ट एनल टेल एनस एनर्स रेट माउथ नर्वकॉर्ड नोटोकॉर्ड मसल सेगमेंट ओके इन स्टाइल ओके तो ये हम स्टडी कर रहे हैं कॉर्डेट की तो हम कॉर्डेट के ही स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं ठीक है हम ये देख रहे हैं कि कॉर्डेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं थी ठीक है मीन्स नहीं है अभी ओके okay, तो जो एनिमल किंगडम है उसमें किस तरह से फाइलम सब फाइलम मीन्स उनको एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक के बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया उनको क्लासीफाई किया गया है एनिमल किंगडम को ओके okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री सब फाइला और फाइलम कॉडेटा फाइलम सब सबकोडेटा के थ्री सब फाइला है सब फाइलम यूरोडेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉडेटा एंड सब फाइलम वाइटिटा ओके okay? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइलम कोडेटा के फर्स्ट जो सब फाइलम है यूरोडेटा ओके okay? यूरोडेटा में जो नोटोकॉड होती है वो लार्वल स्टेज में प्रजेंट होती है ओके okay? जो लार्वल टेल है ना उसमें क्या होती है नोटोकॉड प्रेजेंट होती है रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर यूरोडेटा सब फाइलम यूरोडेटा में नोटोकॉड लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है बॉडी कवर्ड होती है ट्यूनिसिन से इसलिए इसको क्या कहते हैं जो यूरोकोडेटा है उनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं ठीक है एक्सक्लूजिव मरीन ठीक है हर्माफ्रोडाइट सेक्स आर सेपरेट सेक्स आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट के बीच में क्या होता है एक ही इंडिविजुअल्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे एनिमल्स को हर्मफ्रोडाइट कहते हैं जैसे जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स हैं एसीडिया सल्पा डोलियोनियम, ओके तो डोलीलोम ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर एसीडिया सल्पा ये एंड डोलियोलम ठीक है नेक्स्ट सब फाइलम हम देखते हैं सीफेलो कोडिटा सिफेलो कॉर्डिटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होती है थ्रोट लाइफ ये हेड टू टेल रीजन पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड जबकि हम देखते हैं इससे पहले जो है है। okay? के जो सब फाइलम है न, उसमें ओनली लार्वल टेल में प्रेजेंट था और यहाँ पर हेड टू टेल प्रेजेंट है ओके लार्वा के जो टेल है ना उसमें प्रेजेंट था इससे पहले वाले सब फाइलम यानी यूरो uh, में बट यहाँ पर क्या है सिफेलोकोडेटा में हेड टू टेल थ्रोड लाइफ प्रेजेंट होती है फिश लाइक बॉडी है ओके तो जो सिफेलोकोडेटा के एनिमल्स हैं वो फिश लाइक बॉडी है हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो फिश आएंगे मीन्स क्लास वर्टिंग फाइलम वर्टिपेटा में सुपर क्लास पाइसेज में जब फिशेज आएंगे तो हम बात कर सकते हैं कि जो फिशेज हैं उनका ओरिजिनेशन ठीक है उनका जो इवन ओरिजिनेशन का जो रिलेशनशिप है वो यहीं से दिख रहा है हमें कि फिश लाइक बॉडी अपेयर होने लगी है वो ठीक है एक्सक्लूसिव मरीन सेक्सेज आर सेपरेट ओके तो इस सब फाइलम में सेक्सेज क्या है सेपरेट है जबकि इससे पहले की जो सब फाइलम है यूरोडेटा उसमें सेक्सेज सेपरेट नहीं नहीं है ओके okay? इसका जो एनिमल्स है ब्रांचोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सिस और लेंसलेट कहते हैं ठीक है ये नाइनसलेट ब्रांच स्टोटा ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के लेबल्ड है नर्व नर्वकॉर्ड इंटेस्टाइन फिनरेस कॉल फिन एनस लीवर एंड इंडस्टाइल्स ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा ओके तो फाइलम वर्टिब्रेटा फाइलम कोडेटा के इंक्लूड सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है ये हमेशा याद रखना कि फाइलम कॉडेटा के अंदरगत ही क्या आता है सब फाइलम वर्टिविटा आता है तो सब फाइलम वर्टिपडेटा में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है और एडल्ट स्टेज में नोटोकॉड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिपल कॉलम से ठीक है मीन कार्टिलेज और जो बोन लाइक वर्टिपडल कॉलम है वो नोटोकॉड को रिप्लेस कर देती है जब एनिमल्स एडल्ट स्टेज में पहुंचता है ओके वेंट्रल मस्कुलर हार्ट तो जो हार्ट है सब फ़ाइलम वेटीवेटा एनिमल्स का जो हार्ट है वो कैसा है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है ओके okay? उसका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है एंड माइग्लोबिन हार्ट होता है किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है जो वेस्ट होता है बॉडी से उसको रिलीज करने में किडनी हेल्पफुल होती है पेयर्ड एपेंडिज फिन और लिम्स बिकॉज फिन इस वर्टिवेटा सफाइलम में फिसे जाते हैं तो उनमें फिन होती हैं फॉर लोकोमोशन फॉर मूमेंट एंड रिमेनिंग क्लास क्लास एम्फीविया क्लास रेप्टेलिया क्लास एवेज क्लास मवेलिया उनमें लिम्स होते हैं और वो लिम्स क्या होते हैं पेयर्ड होते हैं ओके okay? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर कि जो नर्व कॉड नोटोकॉड है वो रिप्लेस हो गई है और यहाँ पर क्या आ गया कॉलम आ गया है वो टिप्टा कॉलम ये स्केलेटन दिख रहा है इसका एंडोस्केटन ये फिस एंडोस्लेटन कोई टेट्रापोडा का है ठीक है तो ये हार्ट है फिस का हार्ट एम्फीवियन हार्ट टू चैम्बर टू चैम्बर्ड एंड रेप्टाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड बर्ड एंड एनल्स फोर चैम्बर्ड हार्ट किडनी एंड ये एम्ब्रियो है हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक पीरियड तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोर्ड प्रेजेंट है ये देखिए नोटोकोर्ड पोस्ट एनल टेल होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड फेरेंजल पाउचिज ओके तो ये क्या है वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो है ओके तो ये क्या हो गए फाइलम कॉर्डेटा के थ्री सब फाइलम ओके कौन कौन से यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा एंड नंबर थ्री वर्टिब्रेटा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सब फाइलम वर्टिपलेटा है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तो ये थर्ड नंबर का कोडेटा का सब फाइलम वाइटिपलेटा इसको क्रेन डेटा भी कहते हैं तो इसको भी क्या किया गया डिवाइड किया गया इसमें भी एनिमल्स क्या है अकॉर्डिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर करेक्टर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिविजन सुपर क्लास एंड क्लास में डिवाइड किया गया क्लासीफाई किया गया वर्टिब्रेटा ये वर्टिब्रेटा है इसके दो डिविज़न है एगनाथा एंड ग्रेथोस्टोमेटा एग्नाथा जो होते हैं इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें जॉ नहीं होती जबड़ा नहीं होता जॉलेस ओके डिवीजन एग्नाथा जॉलेस एनिमल्स एंड एन डिवीजन ग्रेथोस्टोमेटा बियर जॉज इनमें जॉ होता है जबड़ा प्रजेंट होता है ठीक है तो एग्नाथा डिवीजन जो है वो का उसमें क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा ठीक है जिसमें फिश लाइक बॉडी डिग्री हमें एंड ग्रेथो में जो है उसमें टू सुपर क्लास आते हैं पाइसेज जिसमें फिंस होती हैं एंड सेकेंड सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें क्या होते हैं लिंब होते हैं ओके टू पेयर लिंब एंड वन पेयर लिंब प्रजेंट होते हैं ठीक है तो हम देख रहे हैं इसमें ये सुपर क्लास है पाइसेज एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा तो हम यहां क्लास देख रहे हैं तो इन सुपर क्लास में दो क्लास हैं कॉन्डेक्स इसमें कार्टिजन फीस एंड हैं ओके तो जो कॉन्डेक् है उसमें क्या आते हैं हमारे और जो साइक हमारा दूसरा जो ऑस्टोक् है ठीक है ऑस्टाइज में क्या आते हैं और कॉन्डेक् में क्या आते हैं ठीक है ठीके? इन दोनों में बॉनीफिस एंड कार्टेलीज फिश के अकॉर्डिंग ठीक है उनका जो स्केलेटन है वो बोन लाइक बॉडी एंड कार्टेज बॉडी के अकॉर्डिंग भी इन फिशेज को टू क्लास में डिफ्रेंशिएट किया गया है ओके okay? तो जो नेक्स्ट सुपर क्लास है टेट्रापोडा उसमें जो क्लासेज आते हैं एम्फीविया रेप्टीलिया एवेज एंडमेमिलिया ओके okay, एम्फीबिया में फ्रॉक्स आते एंड में ये स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स एंड वॉलिजर्ड एवेज में एंड मेमेलिया में वेरियस टाइप्स ऑफ मैमर ग्लैंड जिसमें प्रजेंट होती है तो ये हो गया वर्टिब्रेटा ओके okay, तो हम आगे अब वर्टिब्रेटा की डिटेल स्टडी करेंगे ये हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो में होगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओके